Hello everyone. Today I will explain the case of IC Golaknath versus State of Punjab. 1967 का ये केस था और ये अपने टाइम का सबसे लार्जेस्ट बेंच का केस था, 11 जजेस का. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं अवनीश धारीवाल, आई एम ए जज, ए मैजिस्ट्रेट और मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के केसेस में आज थर्ड केस लॉ जो है स्टार्ट कर रहा हूँ. ये आईसी गोलकनाथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्यूडिशियल एज वेल एज सिविल सर्विस एंड पीसीएस. आईसी गोलकनाथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस था. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर केशवानंद भारती को आपको समझना है तो फिर आईसी गोलकनाथ को समझना पड़ेगा. आईसी गोलकनाथ सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट केस नहीं था कि वो उस टाइम की लार्जेस्ट बेंच थी. ज्यादा जज की बेंच होने से, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट बेंच, जो केस है वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है. केस इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी सोशल रेमिफिकेशंस, सोशल इंप्लिकेशंस क्या है और सोसाइटी को कितना डायरेक्टली और किस एक्सटेंट तक जो है अफेक्ट करता है. नाउ ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कभी भी कमेंट आए तो उसमें दो चीजें आप मेंशन करना. पहली चीज तो यह है कि पार्लियामेंट की पावर क्वेश्चन की गई थी, पावर टू वायलेट टू इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स. क्या पार्लियामेंट जो है वायलेट कर सकती है, तो राइट्स से सीधे सीधे राइट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो पीपल वर वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस इशू. सेकंड थिंग इज दैट लैंड था, जो इशू था वहां पे राइट्स का इस केसेस में ना, वो लैंड था. 1967 के आसपास जो है लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था जीडीपी का, इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु हैड लैंड. And it was also important for those who were landless. इस केस में जो गोलकनाथ वाले फैक्ट्स के केस थे, वो ये थे कि गोलकनाथ की फैमिली used to have around 500 acres of land, and there was one Punjab Security and Land Tenure Act 1953. जो लैंड एक्विजिशन एक्ट थे उनमें से एक एक्ट था ये, और इसके अकॉर्डिंग जिसके पास भी 30 एकड़ से ज्यादा लैंड होगी, द गवर्नमेंट वुड एक्वायर the surplus land and it would distribute it among the people who are landless. 500 acre में से अगर 30 acre के पास बचती है तो 470 acres would be acquired. Now इस perspective से आप सोच के देखो कि आपके पास 500 acre land हो, government 470 acre land आपकी ले ले और उन्हें उस लोगों को distribute करे जिनके पास land नहीं है. तो from the land owner's perspective, it was a great tragedy. But जिन लोगों के पास land नहीं थे, जो सिर्फ लेबरर्स के रूप में काम करते थे, उनके लिए इट मे हैव बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो दोनों साइड से ना, एक मेजोरिटी को उम्मीद थी कि ठीक है हमें लैंड मिल जाए जो लैंडलेस थे, दूसरी तरफ जो लैंड ओनर्स थे उनकी कंसर्न ये थी कि उनकी लैंड जाएगी तो इट वुड बी ए बिग लॉस टू देम. इसलिए सोसाइटी में उस वक्त बहुत वैल्यू थी लैंड की और इसलिए ये केस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. इसमें और भी कई पेटिशंस क्लब थी. इसमें जो चैलेंज किया गया था, 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था. 17th अमेंडमेंट के थ्रू जो है, ये जो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953 था, इसको जो है, और मैसूर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1962 को 9th शेड्यूल में डाला गया था ताकि वो कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटनी से बच सके. तो जब इनकी लैंड एक्वायर की गई तो इन्होंने जो है obviously they filed a petition that our fundamental rights have been violated and the parliament cannot violate such rights, it was unconstitutional. Coming to the exact questions of law, वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा केस है, बहुत सारी aspects हैं इस केस की, लेकिन totally for the perspective of exam, from the point of view of exam, we can divide it in three questions. पहला क्वेश्चन ये था, पार्लियामेंट की जो पावर है, पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, वो कहां से आती है. इज इट स्टेमिंग फ्रॉम आर्टिकल 368 और इज इट कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 245 246 248. 245 से 248 तक जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंट्रेंट लिस्ट की बात होती है और रेसिडुअल मैटर्स की बात होती है. तो आर्टिकल 368 जो उस वक्त था, तो उसमें सिर्फ लिखा था प्रोसीजर, जो उसकी हेडिंग थी, जो मार्जिनल हेडिंग थी उसकी, उसमें लिखा था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, उसमें पावर का जिक्र नहीं किया गया था.
तो इससे कुछ कंफ्यूजन था कि क्या पावर 368 से ही आ रही है और पावर जो है 245, 246, 248 से आ रही है। तो पार्लियामेंट ने सॉरी जजेस ने इस चीज को डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट की जो इनेक्टमेंट की पावर है ना, जो इनेक्टमेंट की पावर है चाहे वो एक ऑर्डिनरी लॉ हो चाहे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के साथ हम जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट की जो बॉडी है ना इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। लॉ मेकिंग का जो फंक्शन है, एक आर्गुमेंट गवर्नमेंट ने दिया कि लॉ मेकिंग कई बार पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी की जाती थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि द रीजंस मे बी पॉलिटिकल बट व्हाट वी वांट टू एंश्योर इज दैट पार्लियामेंट इज वर्किंग विद इन द स्कोप ऑफ इट्स पावर्स। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि जो लॉ मेकिंग पावर है ना इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 इज प्रोवाइडिंग ओनली द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर इज कमिंग फ्रॉम द आर्टिकल 245, 246, 248 एंड रेडविन एंट्री 97 लिस्ट 1। बेसिकली जो रेसिडुअल मैटर्स थे क्योंकि स्पेसिफिकली किसी लिस्ट में मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसे कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ये रेसिडुअल मैटर्स में आएगा, रेसिडुअल मैटर्स में आएगा और इसलिए ये पावर कोई स्पेशल पावर नहीं है, ये ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग की तरह ही डील की जानी चाहिए। जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ है क्या ये एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ट्रीट करना किया जाना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्लास 2 कहता है दैट पार्लियामेंट कैन नॉट इनेक्ट एनी लॉ व्हिच इंफ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए पर्सन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम एक स्पेशल लॉ की तरह ट्रीट करते हैं तो आर्टिकल 13 के प्रीव्यू में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ट्रीट करते हैं तो वो आर्टिकल 13 के प्रीव्यू में आएगा। तो कोर्ट ने डिस्कस किया कि जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ। फॉर एग्जांपल द ऑर्डिनरी लॉ वुड बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट देन इट वुड बी पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस देन द प्रेसिडेंट वुड साइन इट। सो जो प्रोसीजर है वो मोस्टली इट्स सेम, डिफरेंस है मेजोरिटी का और ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, बट जो उसका प्रोसीजर है ना पूरा वो डिफरेंट नहीं है, इट्स मोर ऑर लेस द सेम प्रोसीजर। कोई एक्सेप्शन भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, आर्टिकल 368 में भी तब कुछ एक्सेप्शन नहीं था कि आर्टिकल 368 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 13(2) और 13 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं था कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो जो है इट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 13। बाद में जो है इस केस के बाद जो है ये आर्टिकल्स अमेंड किए गए और इनमें ये एक्सेप्शन लाए गए, बस उस टाइम तक कोई एक्सेप्शन स्पेशली प्रोवाइड नहीं था। फिर कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया दैट बाय इम्प्लीकेशन वी कैन नॉट ड्रॉ एनी सच एक्सेप्शन। जब यूके का लॉ डिस्कस किया तो कोर्ट ने ये भी कहा कि यूके के लॉ में भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और ऑर्डिनरी लॉ में। तो कोर्ट ने डिसाइड किया अल्टीमेटली दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज आल्सो ए लॉ फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर्स पर हैं पार्लियामेंट की दे वुड आल्सो अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो इन्फ्रिंज करे फंडामेंटल राइट्स को और पार्लियामेंट कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं ला सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था क्योंकि ये एक केस की बात नहीं थी, अगर पार्लियामेंट को आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को कोई स्पेशल पावर नहीं है इन पार्ट्स को चेंज करने की तो एक रिस्क ये था कि टुमारो द एंटायर कंट्री मे बी इन फेवर ऑफ सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट सम काइंड ऑफ चेंज बट स्टिल द पार्लियामेंट मे फील इटसेल्फ पावरलेस। और दूसरी तरफ ये था कि अगर स्पेशल पावर्स हम इसे दे देते हैं तो टुमारो द कंट्री में फेस अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, देयर मे बी यू नो सो मेनी एट्रोसिटीज सो मेनी वायलेशन ऑफ राइट्स सो मेनी ड्रैकोनियन लॉज मे बी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। सो इट वाज बेसिकली डिसाइडेड दैट 13(2) का जो रेस्ट्रिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी अप्लाई होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है
कि जो क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को या पार्ट थ्री को अमेंड कर सकती है। इसे कोर्ट ने काफी फिलोसॉफिकल एग्जांपल्स देकर डिस्कस किया, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द बेसिक पॉइंट्स व्हिच वर टेकन बाय द कोर्ट वर दैट किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप अनकंट्रोल्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दोगे तो वो ऑथोरिटेरियन रूल की तरफ ले जाएगा। इफ टुडे वी अलाउ द पार्लियामेंट द पावर टू चेंज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट थ्री, तो टुमारो द पार्लियामेंट में चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर, टुमारो इट में चेंज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री, वी मे द पार्लियामेंट में टर्न इट इंटू ए टोटेलिटेरियन रूल, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर सकती है अगर ये पावर उसे दी गई कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्रिंज कर सकती है, ऐसे लॉ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना सकती है जिनके थ्रू जो है फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, तो इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी बिकॉज टुमारो द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट में बी चेंज टू ए डिक्टेटरशिप। दूसरी चीज कोर्ट ने कहा कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में जो डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन डू ए लॉट ऑफ डैमेज टू अवर राइट्स, वो अप्रोच जो है कोर्ट ने कहा कि दैट अप्रोच वाज नॉट सुटेबल फॉर अवर डेमोक्रेटिक कंट्री। एक बात और कोर्ट ने कही कि जो इंटेंशन थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की वो ये इंटेंशन नहीं थी कि द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू वायलेट और टू इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अवर सिटीजंस। आर्टिकल 32 में कहा, मैं जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने मेंशन कराया था दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ, कैन नॉट इनएक्ट एनी लॉ व्हिच इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स, सो ये रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी अप्लाई होगा, वरना अदरवाइज फ्रॉम द बैकडोर द पार्लियामेंट में इनएक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड टेक अवे ऑल द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। तो ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट था और कोर्ट ने कहा कि दैट पार्लियामेंट कैन नॉट इनएक्ट इवन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजंस। नाउ इतना कोर्ट ने डिसाइड किया, इन थ्योरी कोर्ट एग्रीड दैट पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू इनएक्ट एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू टेक अवे द राइट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजंस, बट इन इफेक्ट कोर्ट ने कहा कि दिस डिसीजन will apply only prospectively. जो prospective overrule का जो principle है वो court ने evolve किया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि court ने कहा कि अब तक जो भी parliament ने amendment किए हैं they are valid और उन्हें वो जो है उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो first amendment है, fourth amendment है और जो 17th amendment है जो कि इसमें directly question था, they are valid as per the decisions of the Supreme Court which were previously given. लेकिन आगे से जो है इन द कमिंग टाइम द पार्लियामेंट कैन नॉट इनेक्ट एनी लॉ और कैन नॉट मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। बेसिक पॉइंट ये था कि अब तक जो भी इन्होंने जो लॉ बनाए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, दे आर ऑल वैलिड, बट आगे से नहीं करेंगे, आगे से जो है पार्लियामेंट अगर करती है तो इनवैलिड होगा। सो बेसिकली द पिटीशन वॉज डिसमिस्ड, इन इफेक्ट कोई चेंज नहीं आया, इन इफेक्ट कोई रिलीफ नहीं मिला गोलकनाथ को या और भी जो पेटिशनर थे उन्हें, बस पार्लियामेंट ने सिद्धांत के रूप में इन प्रिंसिपल द पार्लियामेंट द कोर्ट एग्रीड दैट इट वाज रॉन्ग फॉर द पार्लियामेंट टू इनएक्ट ए लॉ व्हिच इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। और आगे जो पार्लियामेंट जो एक्ट करेगी तो उस एक्ट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज नहीं किए जा सकते। इन इफेक्ट कुछ इसमें नहीं निकला, इन इफेक्ट कोई इसका जो इम्पैक्ट था वो ऐसा नहीं था जिससे कोई रिलीफ मिलता पेटिशनर्स को, सो यू कैन जज फॉर योरसेल्फ। बाकी इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का उसका भी जिक्र किया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो प्रिंसिपल था ना वो उतने अच्छे ढंग से इवॉल्व नहीं हुआ था। नेक्स्ट केस वुड बी केशवानंद भारती, और बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।